सो हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने नोटिफिकेशन आ चुका है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है कि बैंक प्रेफरेंस क्या चॉइस होना चाहिए, अब उसका प्रेफरेंस कैसे दें उसका एक एक करके। जो शायद मेरे को याद आता है दोस्तों कि जब आप प्रेफरेंस भरेंगे ना तो वो शायद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, तो ए फॉर इलाहाबाद बैंक, बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इस तरीके से शायद वो रहता है। और बहुत कुछ जानने को भी है इस वीडियो में, तो बिल्कुल आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है ना, जो पहली बार फॉर्म भर रहा है तो वो क्या करता है, तो जो एज इट इज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसी को ही वो भर देता है। ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको बैंक प्रेफरेंस देना है ना, चार पांच चीज़ों पे, चार पांच पॉइंट्स पे आपको हाईलाइट करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करनी चाहिए, बैंक प्रेफरेंस भरना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए दोस्तों कि आप पहले ये समझ जाइए कि IBPS क्लर्क आप एक ही बैंक में सेलेक्ट होंगे, आउट ऑफ आई थिंक 11 और 12 जो बैंक्स IBPS के थ्रू रिक्रूट करेंगे एक ही बैंक में सिलेक्शन लेंगे, एंड दैट विल बी लाइफ लॉन्ग, वो तो फिर आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है उसको अच्छे से डिसाइड करने का। मैं तो रेकमेंड करूंगा लास्ट में एक लिस्ट ऑफ बैंक्स दूंगा जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग होगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा तो आप कमेंट के सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आंख बंद करके तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोर बैंक्स में ही आपकी प्रेफरेंस सबसे पहला होना चाहिए। कोर बैंक्स यानी ऐसे बैंक्स जो एवरग्रीन है, जो हमेशा प्रॉफिट ही देती है, यानी मसलन मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस ऑफ द बैंक, बैंक की बिजनेस कैसी है ये बिल्कुल निर्भर करता है दोस्तों। कोर बैंक्स मेरे हिसाब से चार बैंक्स हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक कैनरा बैंक, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, और आई थिंक फोर्थ मेरे हिसाब से यूनियन बैंक है। तो आप इन चार बैंक पे या एक और भी आप जोड़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये चार ऐसे बैंक्स हैं जो कभी आपको वो हमेशा एवरग्रीन ही माना जाता है, तो ये एक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझ में, मसल में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, इलाहाबाद बैंक, उसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में, और हम सबको पता है कि इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक के साथ, राइट। तो अब इंडियन बैंक हेडक्वार्टर है चेन्नई में, तो ये कोई मेरे हिसाब से लॉजिक नहीं बनता है कि आप इलाहाबाद बैंक में भरें और आपकी पोस्टिंग अगर आप सोच रहे हैं कि तमिलनाडु से होना चाहिए तो ये मिसमैच कर रहा है। शायद आप समझने का कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों कोई मैटर नहीं करता है, आजकल जो मर्जर हो चुका है आप उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से लगता है, प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल नज़र में रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, ये ऐसे दो बैंक्स हैं जो बहुत हाईलाइट में रही है कि शायद इन दोनों बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा। तो बेटर आप ये देखिए क्या होता है ना, जब ये सब चीज़ें चल रही है तो आप इन बैंकों को जो है उसको कोर बैंक्स के बाद ही इनको रख सकते हैं, ये मेरा मानना है। देखिए कोर बैंक ऐसा कुछ शब्द नहीं होता है, मैं अपने हिसाब से आप सभी को बता दिया हूँ। ऐसे चार ऐसे बड़े बड़े बैंक्स हैं, सरकार भी तो इनफैक्ट बोल चुका है दोस्तों कि वो ज़्यादा बैंक्स को मतलब वो रखना नहीं चाहता, या तो वो मर्ज कर देंगे या बड़े बड़े पाँच या छः बैंक्स ही रखेंगे भारत में। तो उसी हिसाब से प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल नज़र में रखिए, और आपको लगता है कि कोई बैंक खबर में आ रहा है तो आप अवॉइड करें उन बैंकों को पहले प्रेफरेंस में देने का, राइट। तीसरा मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या होता है ना, बड़ा उम्मीद है कि चलो जैसे कि हम सबको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा उतना शायद वैकेंसीज जारी नहीं किया है, NR करके है, नॉट रिपोर्टेड करके है। अब इसका मतलब नहीं है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को पूरा लास्ट में रखेंगे। आपने देख लिया, मान लीजिए लेट्स से कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 1000 पोस्ट हैं, आपने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को पहले रख दिया, राइट। इससे पहले वाला पॉइंट मैंने क्या बोला था, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो आप जो एवरग्रीन बैंक्स हैं और जो अच्छे खासे बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको पता है कि मैक्सिमम नेशनलाइज बैंकों ने पूरा प्रॉफिट जो है वो प्लस में ही दिया है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई बैंक ख़राब है या कोई बैंक छोटा है या कोई बैंक बड़ा है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो चार पांच बैंक्स मैंने आप सभी को टॉप प्रायोरिटीज़ में रखा और बोला कि उसमें से मान लीजिए एक आध बैंक ऐसे हैं जो NR करके मैं रिपोर्ट करके आए हैं, तो उसको आप लास्ट में मत रखिएगा, उसको पहले में ही रखिएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे हिसाब से, वो है आप डिसाइड करिएगा कि कौन से बैंक के कितने ब्रांचेस हैं। हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो ब्रांचेस नहीं हैं,
मतलब उतने ब्रांचेस आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं देखेगा, तो ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे आप कम ही देख सकते हैं। तो ऐसे बैंक्स जहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने होम टाउन से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर में भी अगर आपकी पोस्टिंग हुई है ना, तो फिर भी आप ना कभी आप अपने घर के इर्द गिर्द में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, पता चला कि आपके होम टाउन में ही आपकी पोस्टिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नज़र में रखना चाहिए एक वैकेंसी को फिल करने से पहले। मैं आप सभी को एक प्रेफरेंस बताता हूँ, आप इस हिसाब से आप इन सब चीज़ों को भर सकते हैं। सबसे पहला मैं रखूँगा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत बड़ा बैंक है, ऑब्वियस बात है NR करके अगर आया भी है तो फिर भी आप इसको भर सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। ये आप ऐसा हो सकता है कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करें, बट मैं अगर भरता तो मैं इसी हिसाब से भरता, यही बता रहा हूँ। सबसे पहला तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ही भरता, दूसरा मैं पंजाब नेशनल बैंक पे भरता, तीसरा कैनरा बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध, और उसके बाद यूको बैंक। ये मेरी प्रेफरेंस होती। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट के सेक्शन में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। आप फॉर्म अभी मत भरिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं धीरे धीरे करके कवर करूंगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आप सोच रहे हैं कि एक तैयारी अच्छे से करें तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों IBPS एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए गाइडली एक बहुत सुनहरा अवसर दे रहा है आप सभी को, अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स, या तो आप उनका टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज, इट्स नोन फॉर इट्स टेस्ट सीरीज, उनका जो कंटेंट है काफ़ी अच्छा रहता है। तो अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स में क्या होता है, वो आपको एक क्वेश्चंस देते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस रहता है सारे सेक्शंस का, और शाम के वक्त में वो आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और वीडियो सॉल्यूशंस को भी एंजॉय कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी साथों साथ आप दे सकते हैं, यानी पढ़ने के लिए अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स, टेस्ट के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज होना चाहिए। तो अगर आप वहां पे जाएंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं SFY12, और एक्स्ट्रा 12% ऑफ आप वहां पे ले सकते हैं, और अपना टेस्ट को जो है, अपना प्रिपरेशन को जो है और मजबूत बना सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं SFY_आशीष पे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं उपलब्ध हूं आप सभी के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल, अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार।